चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज की भी टेक न्यूज। हर रोज के जैसे आज भी बहुत जबरदस्त टेक न्यूज है, ज्यादा वक्त नहीं जाया करते हैं। पहली जो टेक न्यूज है वो आप सुन लीजिए। ये सवाल है आपसे कि ये जो मैं टेक न्यूज बताने वाला हूँ वो इंडिया में भी होना चाहिए या नहीं, क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट ने एक उन्होंने लीगल ये लाया है कि भाई जो गेम्स खेलते हैं बच्चे, स्पेशली 18 से कम वाले, उन्होंने दिन में सिर्फ 90 मिनट्स तक ही गेम वो खेल पाएंगे, उससे ज़्यादा खेल नहीं सकते। उतना ही नहीं, रात को 10 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक नो गेमिंग, ये रूल लेके आए हैं। इट इज़ लीगली बाइंडिंग, मतलब हर एक सिटीजन जो है उन्होंने, मतलब जो बच्चे हैं 18 साल के नीचे, उन्होंने ये करना चाहिए, क्योंकि गेम का एडिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है चाइना में, तो उन्होंने ये रूल लाया है। क्या इंडिया में ये लाना चाहिए, ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चाइना की बात कर रहे हैं तो बता दूं सैमसंग फोल्ड जो है उधर भी सोल्ड आउट हो गया है, सेल आउट हो गया है 5 मिनट के अंदर। अब सैमसंग ने यह नहीं बताया है कि कितने यूनिट्स रखे थे, अगर 50-100 रखे होते तो 5 मिनट के 1 मिनट के अंदर जाने चाहिए थे, लेकिन अभी पता नहीं है हमें। अगर ज़्यादा यूनिट्स होंगे इसका मतलब सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड का डिमांड बहुत ज़्यादा है। आपको तो पता है इंडिया में भी ऐसे ही कुछ मिनटों में फुल सोल्ड आउट हो गए थे, और वैसे ही चाइना में भी हुआ। और दोस्तों ये बहुत इंटरेस्टिंग खबर है, कल मैंने OnePlus के बारे में बताया था कि कुछ नया आ रहा है, ऐसे OnePlus UK ने डाला हुआ था और आज उन्होंने रिवील कर दिया है। यू विल नॉट बिलीव दोस्तों, जब मैंने भी देखा मैंने वाओ, जी हाँ, OnePlus Piano आ रहा है। OnePlus Piano यानी क्या, OnePlus 70 Pro 17 OnePlus 70 Pro ऐसे लाइन से रखे हुए हैं, उनकी स्क्रीन चालू है और उसके ऊपर जो डिस्प्ले पे है वो बेसिकली पियानो के कीज जो होते हैं वो है। और इतना ही नहीं, ये बनाया हुआ है OnePlus Piano और ये एक आर्टिस्ट बजाने वाला है इंग्लैंड में, फ्रांस में, ऐसे अलग अलग जगह पे। ये जो संडे है या सैटरडे तब से चालू होने वाला है। इंटरेस्टिंग है, ये बेसिकली दिखाना चाहते हैं कि हमारा जो डिस्प्ले है कितना अच्छा है, कितना फास्ट है, फ्लूइड डिस्प्ले। वैसे दोस्तों और एक बात बता दूं आपको, OnePlus 8 Pro जो अगले साल आने वाला है फर्स्ट हाफ में, उसमें 120Hz की स्क्रीन होने वाली है। दिस इज़ अ लीक। और दोस्तों आप अगर नए हो तो बता दूं मेरा नाम है अरुण प्रभु देसाई, आप देख रहे हो ट्रैकिंग टेक न्यूज नंबर 564। और अगर नए हो तो एक चीज करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन बजाइए, ऑल कीजिए, पहले सब्सक्राइब कीजिए उसके बाद में कीजिए, ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। वैसे आज का जो वीडियो अपलोडेड है इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंफॉर्मेशनल। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, ये जो टेक्नोलॉजी है कैसे इवॉल्व हुई है, कैसे वीवो सबसे पहले लेके आई थी और अब आगे क्या क्या होने वाला है, सब कुछ बताया, जरूर देखिए। 855 प्लस और उसके बाद में 865 बहुत ही जल्दी आ रहा है। मैं बात कर रहा हूं क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के फ्लैगशिप प्रोसेसर की, SD865 की। ये लॉन्च होने वाला है हवाई में December 3 या 4 तारीख को, क्योंकि उनका जो टेक समिट हो रहा है, एनुअल टेक समिट होता है स्नैपड्रैगन का, वो हो रहा है और उसमें कहा जा रहा है कि लॉन्च होने वाला है। और इतना ही नहीं, 865 के दो अलग अलग वेरिएंट्स आने वाले हैं, एक 4G होगा और दूसरा होगा 5G, जिसमें X55 मोडेम आने वाला है, शायद इंटीग्रेटेड भी होगा। लेकिन इंडिया में जो भी 865 के फोन्स आएंगे, बेसिकली 2020 साल में जो भी फ्लैगशिप्स लॉन्च होंगे वो सब इसी प्रोसेसर पे आने वाले हैं। अब कितना फास्ट है क्या है वो देखना पड़ेगा, लेकिन ये भी 7nm टेक्नोलॉजी पे ही आधारित होगा। और दोस्तों अब प्रोसेसर की बात कर रहे हैं तो MediaTek का भी एक प्रोसेसर, 8K वीडियो वाला प्रोसेसर, 8K वीडियो एनकोड करने वाला स्मार्ट टीवी का प्रोसेसर जा रहा है मास प्रोडक्शन में। S900 ये प्रोसेसर है और ये 12nm टेक्नोलॉजी पे होगा। ओवरऑल अच्छा है, बट आजकल 4K भी कम पड़ गए हैं। आजकल सभी स्मार्ट टीवीज जो 2020 में स्पेशली आने वाले हैं वो सब 8K के होंगे। 8K का कंटेंट किधर है, लेकिन 4K कंटेंट भी नहीं है आजकल टीवी पे। अगर होता है तो फुल HD का कंटेंट होता है, मुझे नहीं लगता है 4K का कंटेंट या 4K के चैनल्स इतना जल्दी आने वाले हैं। और दोस्तों कल आपने हमारे टेक न्यूज़ को बहुत प्यार दिया, ऐसे ही देते रहिए आज भी। जी हाँ, 35,000 लाइक्स, लेट्स डू इट। और एक प्रोसेसर के बारे में बताता हूँ और ये बहुत एक्साइटिंग है, सोनी का अगला जो कैमरा सेंसर है वो आ रहा है, वो भी फ्लैगशिप लेवल का, IMX686। ये कहा जा रहा है कि 586 का सक्सेसर होगा और इसका एक टीजर वीडियो आया हुआ है, बहुत सारे जो फोटोज निकाले हुए हैं, एक सैम्पल शॉट्स हैं ये, और टेस्ट पायलट या फिर टेस्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर निकाले हुए हैं। और ये जो फोटोज हैं दोस्तों, एक तो वाइड एंगल है, डायनेमिक रेंज इतनी जबरदस्त दिख रही है, और जो कलर्स हैं वो लिटरली ऐसे लग रहा है कि आप DSLR से ऐसे फोटोज निकाले हुए हैं। कहा जा रहा है कि ये 60 या 64 मेगापिक्सल का सेंसर होने वाला है, एंड अगेन अगले साल के
जो भी फ्लैगशिप वगैरह आएंगे वो इस सेंसर पे होने वाले हैं। वैसे दोस्तों IMX 586 जबरदस्त था, सोचिए IMX 686 कैसा होगा। और कहा जा रहा है दोस्तों कि ये जो हुआवी नोवा 6 लॉन्च होने वाला है, या फिर वीवो का X30 प्रो लॉन्च होने वाला है, या फिर ओप्पो का रेनो 3 होने वाला है, इसके ऊपर ये सेंसर आएगा। आई एम वेटिंग फॉर दिस सेंसर सीरियसली, IMX 686। और दोस्तों अगर आपके पास Xiaomi का फोन हो या फिर OnePlus का हो, इवन OnePlus 7T हो, और आपने रिसेंटली WhatsApp का अपडेट किया है, तो एक इशू आपको नजर आया होगा, आपकी जो बैटरी है वो कंटिन्यूअसली ड्रेन हो रही होगी। होगी, सबके लिए नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने रेडिट पे, ऑनलाइन OnePlus के फोरम्स पे कहा है कि हमने WhatsApp अपडेट किया, स्पेशली Xiaomi और OnePlus के यूजर्स, और हमारी बैटरी ड्रेन हो रही है। लिटरली 40-50% बैटरी सिर्फ WhatsApp खा रहा है। तो ये एक बग है, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है टेंशन मत लीजिए, फोन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, WhatsApp का कोई बग है जिसकी वजह से ये हो रहा है, और शायद बहुत ही जल्दी आपको फिक्स भी आ जाएगा। फ्यूचर के फोन्स कैसे कैसे होंगे दोस्तों, ये मैं आप बता नहीं सकता हूं। आज Xiaomi को एक पेटेंट मिल गया है जहां पे पॉपअप सेल्फी दिख रहा है, ये फोल्डेबल भी होने वाला है, लेकिन पॉपअप में दोस्तों पेंटा कैमराज होने वाले हैं। इतना ही नहीं, ये जो पेंटा कैमराज होंगे उसमें से एक 108 मेगापिक्सल का होने वाला है और ये फोल्डेबल होगा। सोचिए Xiaomi का फोल्डेबल स्मार्टफोन विथ पॉपअप पेंटा लेंस वाला कैमरा, जो आगे भी यूज होगा और शायद पीछे भी। वेरी इंटरेस्टिंग डिजाइन, अब जब आएगा तब देखेंगे, बट आई एम वेरी एक्साइटेड। ये नई नई चीजें, नई इनोवेटिव चीजें देख के मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और दोस्तों आज Realme ने ट्विटर के ऊपर ऑनलाइन सब जगह पे बता दिया कि Realme X2 Pro का जो इवेंट होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट इवेंट एवर। क्यों? क्योंकि ये दिल्ली में तो होगा, 20 तारीख को तो होगा, लेकिन उन्होंने इसके जो टिकट्स हैं वो भी बेचने चालू कर दिए हैं, वो भी बुक माई शो के ऊपर। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। 299 रुपीज़ के टिकट्स हैं और आपको 2100 के गुडीज़ मिलने वाले हैं। इसमें एक पावर बैंक होगा और बाकी सब चीज़ें भी होने वाली है। इसका मतलब 300 रुपये में 2100 की चीज़ें मिलेंगी आपको। उतना ही नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट, लाइव X2 Pro का लॉन्च इवेंट देखने को मिलेगा। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, मज़ा आने वाला है November 20th को। और Realme की तरफ से ही और एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, और ये खबर है Realme 6 की। इसके लाइव इमेजेस बाहर आ गए हैं, लाइव इमेजेस, और लाइव इमेजेस से तो क्लियरली दिख रहा है कि इसमें बिंदी नॉच होने वाली है। मतलब नॉच नहीं है, बिंदी है, पंच होल कैमरा है बीच में सेल्फी का। और ऐसे भी कहा जा रहा है कि पीछे की तरफ क्वाड नहीं, पेंटा कैमराज होने वाले हैं, और ये Realme 6 जो है लॉन्च होगा अगले साल 2020 के फर्स्ट हाफ में या फिर फर्स्ट क्वार्टर में, जैन फेब या मार्च में, अब जब आएगा तब देखेंगे। बट अच्छी चीज़ें हैं, अच्छे फोन्स आने वाले हैं, इनोवेटिव फोन्स आने वाले हैं, मल्टीपल कैमरास के साथ आने वाले हैं। चलिए दोस्तों आज की टेक न्यूज होती है खत्म इधर ही। अगर अच्छी लगी लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लेकिन अब वक्त होता है ट्रैक एंड टेक ट्रेजर हंट का। जी हाँ, कुछ दिखा आज की टेक न्यूज में इधर उधर आजू बाजू पीछे की तरफ? अगर दिखा तो रुके क्यों हो, जाइए कमेंट सेक्शन में, #TTTH डालिए, टाइम स्टैम्प डालिए, स्पेसिफिकली हमें बताइए आपने क्या देखा, क्योंकि अगर आप सही हो तो आप जीत पाओगे पेटीएम का गिफ्ट वाउचर। और कल के हमारे पेटीएम गिफ्ट वाउचर के विनर है गौरव दीक्षित, कांग्रेचुलेशंस गौरव जी। भेज दीजिए आपका पेटीएम का ईमेल आईडी, हम भेज देंगे आपको आपका पेटीएम गिफ्ट वाउचर। एंड नाउ टाइम फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ दिस टेक न्यूज, आपका नाम लेने का, यानी हमारे सुपरस्टार्स का नाम लेने का। कल के हमारे 3 सुपरस्टार फीचर्ड कमेंटर्स हैं हित पटेल, सफीर खान और करण पलीकर। कांग्रेचुलेशंस, क्या जबरदस्त कमेंट्स डाले, ऐसे ही कमेंट्स लिखते रहिए, ऐसे ही हम कमेंट्स पढ़ते रहेंगे, ऐसे ही आपका नाम लेते रहेंगे। चलिए दोस्तों आज के हमारे ट्रैकिंग टेक न्यूज एपिसोड नंबर 564 खत्म होती है इधर ही। अगर अच्छी लगी लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं वो कर दीजिएगा, शेयरिंग करना आपके हाथ में, रिमाइंड करना मेरे हाथ में है। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग।